गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा था धनायन विनिमय तथा पौधों का पोषण। मैंने धनायन विनिमय के बारे में आपको बताया था कि ये क्या होता है धनायन विनिमय। तो देखिए विनिमय का अर्थ बताया था मैंने आदान प्रदान। क्या बताया था? आदान प्रदान किसका? धनायनों का। धनायनों का आदान प्रदान होना ही धनायन विनिमय कहलाता है। और जिस मृदा में धनायन अधिक होते हैं, वह मृदा हमेशा उर्वर होती है। तो धनायन, देखिए जो भी अपन के पोषक तत्व होते हैं, जिससे अपन का सी कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, जितने भी पोषक तत्व होते हैं उन्हें पौधे डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर पाते हैं। उन्हें एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने के बाद में ही पौधे उसे ग्रहण कर पाते हैं। जैसे कैल्शियम होता है, इसको Ca+2 के रूप में पौधा ग्रहण करता है। मैग्नीशियम होता है, इसे भी Ca+2 के रूप में। और सोडियम होता है, इसे Na+ के रूप में। पोटेशियम होता है, इसे K+2 के रूप में, K+ के रूप में। इस प्रकार से चेंज करके ही पौधा इनको ग्रहण करता है। तो धनायन विनिमय तथा पौधों का पोषण, धनायन किस प्रकार से आदान प्रदान होगा और पौधों का किस प्रकार से पोषण होता है, धनायनों को किस प्रकार से ये प्राप्त करते हैं और अपना पोषण कार्य पूरा करते हैं, ये पढ़ाएंगे। तो इसमें स्टार्ट करेंगे धनायन विनिमय तथा पौधों का पोषण। अशोषित किए हुए धनायन अशोषित किए हुए धनायन पौधों और सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्म जीवों को आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। अशोषित किए हुए धनायन पौधों और सूक्ष्म जीवों को आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। अशोषित का मतलब होता है ये सोयल है, इसकी सतह पर आकर्षित होना या अधिशोषित होना, मृदा की सतह पर आना ही अशोषण कहलाएगा। तो इसकी सतह पर जब वो धनायन आ जाएंगे तो इसे पौधे और सूक्ष्म जीव आसानी से प्राप्त कर लेते हैं धनायनों को। तो आगे पौधों के पोषण विनिमय में निम्न दो प्रकार से कार्य करता है। हेडिंग डालेंगे पौधों के पोषण में निम्न दो प्रकार से कार्य करता है। पौधों के ये हेडिंग डलवाई है मैंने, देखिए पोषण चल रहा है पौधों का। अब किस प्रकार से विनिमय होगा पौधों के पोषण में? विनिमय कहते हैं अभी बताया आदान प्रदान को। किसे कहते हैं? आदान प्रदान। पौधों के पोषण में विनिमय निम्न दो प्रकार से कार्य करता है। अब धनायनों का विनिमय होगा, किसका होगा? धनायनों का। तो किस प्रकार से होगा? इनका दो प्रकार से कार्य करता है। नंबर एक डाल के इसमें लिखना है विनिमय पोषक तत्वों को स्वतंत्र
कर देता है। भिन्न में पोषक तत्वों को स्वतंत्र कर देता है जो कि पौधों के मूल रोमों जो कि पौधों के मूल रोमों जो कि पौधों के मूल रोमों एवं सूक्ष्म जीवों के संपर्क सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आते हैं। देखिए क्या होता है, विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, किसका, धनायनों का। धनायन क्या है, अपन के पोषक तत्व हैं विभिन्न प्रकार के, तो विनिमय पोषक तत्वों को क्या करता है, पहले स्वतंत्र कर देता है जो कि पौधों के मूल रूम कहते हैं, जड़ होती है ना, जड़ के नीचे का भाग होता है उसे कहते हैं मूल रोम, वो ही पोषक तत्वों को अवशोषित करने का कार्य करता है। मूल रोमों एवं सूक्ष्मजीवों के संपर्क में आते हैं और उनको अवशोषित कर लिया जाता है और उनको अवशोषित कर लिया जाता है। उनके सूक्ष्मजीवों संपर्क में आते हैं और उनको क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है या जल निकास द्वारा नष्ट हो जाते हैं। दूसरा नंबर दो, पहला कार्य तो ये किया इन्होंने, ठीक है, मूल रोम और मृदा सूक्ष्मजीव, मृदा सूक्ष्मजीव क्या, मूल रोम और मृदा सूक्ष्मजीव मृदा कुलैडी सतह के संपर्क में है, मृदा कुलैडी सतह के संपर्क में रहकर सीधा विनिमय करते हैं, संपर्क में रहकर सीधा विनिमय करते हैं। मूल रोम और मृदा सूक्ष्म मृदा कुलैडी सतह के संपर्क में रहकर सीधा विनिमय करते हैं, जिससे मूल रोम तथा सूक्ष्म जीवों में जिससे मूल रोम तथा सूक्ष्म जीवों में पृष्ठ पर उपस्थित H+ कहते हैं धनायन को, क्या H+ आयन अधिशोषित होते हैं, H+ आयन्स अधिशोषित होते हैं। H+ आयन्स क्या होते हैं, अधिशोषित होते हैं और इनका विनिमय होता रहता है। देखिए
धनायन बिन में तथा पौधों का पोषण किस प्रकार से होता है। धनायन का मतलब धनायनों का, बिन में का मतलब आदान प्रदान। आदान प्रदान होगा या आएंगे, जिन्हें सूक्ष्म जीव किस प्रकार से एवं पेड़ पौधे किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। तो देखिए ये धनायन बिन में पौधों के पोषण में बिन में दो प्रकार से कार्य करता है। बिन में पोषक तत्वों को स्वतंत्र करता है, जो बिन में आदान प्रदान होता है ये पोषक तत्वों क्या करता है, स्वतंत्र करता कर देता है। स्वतंत्र करने के बाद में जो कि पौधों के मूल रूप में सूक्ष्मजीवों के संपर्क में आते हैं, आप स्वतंत्र कर दिए पोषक तत्व, फिर वो कहाँ आए, पौधों के मूल रूप और सूक्ष्मजीवों के संपर्क में आए और उनको अवशोषित कर लिया। इन्होंने फिर पौधों ने और सूक्ष्मजीवों ने इसको क्या कर लिया, स्वतंत्र हुए उनको अवशोषित कर लिया, और कुछ जो अवशोषित नहीं हुए वो जल निकाय द्वारा नष्ट हो गए। अब दूसरा, मूल रूम और मृदा सूक्ष्मजीव मृदा कुल्हाड़ी सतह के संपर्क में रहकर, मूल रूम पौधे के मूल रूम और मृदा सूक्ष्मजीव मृदा में जितने भी सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, भी मृदा कुल्हाड़ी सतह मृदा की सतह के संपर्क में रहकर सीधा बिन में, सीधा मतलब डायरेक्ट आदान प्रदान करते हैं पोषक तत्वों का, सीधा बिन में करते हैं। कौन? मृदा की जो जड़ें होती हैं वो, और विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीव मृदा की जो सतह होती है उसके संपर्क में रहकर सीधा विनिमय करते हैं, जिससे मूल रूप तथा सूक्ष्मजीवों में पृष्ठ पर उपस्थित एच प्लस आयंस अवशोषित होते हैं, और जिससे क्या होता है कि पृष्ठ पर या कुल्हाड़ी सतह पर जो एच प्लस आयन या धनायन होते हैं उनमें वो क्या होते हैं, मूल रूप और सूक्ष्मजीवों को अधशोषित होते हैं या प्राप्त हो जाते हैं, इनका विनिमय होता रहता और इनका विनिमय होता रहता है और इनका विनिमय होता रहता है इसका मतलब अशोषित भी हो गए और यहाँ से निकल भी जाते हैं। अशोषित होने के बाद में निकल भी जाते हैं, उसे आदान प्रदान हो गया तो उसे कहेंगे विनिमय। इस प्रकार से इनका विनिमय होता है। अब अगली हेडिंग डालेंगे धनायन बिन में, अगली हेडिंग डालो धनायन बिन में से पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्यता। धनायन बिन में से पौधों धनायन बिन में से पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्यता निम्न बातों पर निर्भर करती है। अब देखिए, धनायन बिन में से पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्यता निम्न बातों पर निर्भर करती है। देखिए, इसका मतलब धनायनों का आदान प्रदान हुआ, पौधों को पोषक तत्व प्राप्त हो रहे हैं, अब वो किन किन बातों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे, नंबर एक, धनायन संतृप्ति। धनायन संतृप्ति इस पर निर्भर करता है, धनायन संतृप्ति। धनायन बिन में से पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्तता निम्न बातों पर निर्भर करती है। इसका मतलब धनायन बिन में धनायनों का आदान प्रदान हो रहा है और पोषक तत्वों प्राप्त हो रहे हैं, तो कौन कौन सी बातों पर निर्भर करते हैं, तो धनायन संतृप्ति। तो मृदा की धनायन बिन में क्षमता कैसी होनी चाहिए, मृदा की धनायन बिन में क्षमता अधिक होनी चाहिए। मृदा की जो धनायन बिन में क्षमता है वो कैसी होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। धनायन बिन में से पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्यता,
धनायन विनिमय के आधार पर देख रहे हैं कि पौधों को पोषक तत्व कैसे प्राप्त होंगे। जिस मृदा की धनायन विनिमय क्षमता अधिक होगी उस मृदा से पोषक तत्व अधिक मात्रा में अवशोषित होंगे। तो देखिए धनायन संतृप्ति मृदा की धनायन विनिमय क्षमता अधिक होनी चाहिए जिससे पोषक तत्व भी अधिक प्राप्त होते रहें। दूसरा लेकिन संगुणित आयनों का प्रभाव, संगुणित आयनों का प्रभाव, संगुणित कहते हैं एक प्रकार समुच्चय, समुच्चय का मतलब इकट्ठा, एक के ऊपर एक, समुच्चय का मतलब होता है इकट्ठा एक के ऊपर एक, इसका मतलब एक धनायन के ऊपर दूसरा धनायन नहीं आना चाहिए, एक धनायन पर दूसरा धनायन नहीं आना चाहिए, एक धनायन पर दूसरा धनायन नहीं आना चाहिए, एक धनायन पर दूसरा धनायन नहीं आना चाहिए, जो कि पौधों के लिए पोषक तत्वों की, जो कि पौधों के लिए पोषक तत्वों की, पोषक तत्वों की प्राप्यता को कम कर देते हैं, कम कर देते हैं, पौधों के लिए पोषक तत्वों की प्राप्यता को कम कर देते हैं। जब एक धनायन मृदा के लिए आवश्यक है, जैसे कैल्शियम मृदा के लिए आवश्यक है, उसके ऊपर यदि पोटेशियम आ जाता है तो इसका प्रभाव कम हो जाएगा और इसका प्रभाव अधिक हो जाएगा, और चाहिए हमारे मृदा के लिए कैल्शियम और पोटेशियम आ गया तो पोषक तत्व प्राप्तता कैसी हो जाएगी, कम हो जाती है। जैसे कैल्शियम के अधिक से पोटेशियम की प्राप्तता कम, जैसे कैल्शियम के अधिक से पोटेशियम की मात्रा कम, इसका मतलब कैल्शियम आ रहा है तो पोटेशियम की जो मात्रा है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाती है, इसकी जो प्राप्तता होगी पोटेशियम की वो कम हो जाएगी, कैल्शियम के अधिक से पोटेशियम की प्राप्यता कम हो जाती है। तो एक धनायन कौन सा है अपन का, कैल्शियम है और एक है पोटेशियम, तो इसके ऊपर पोटेशियम के ऊपर कौन आ रहा है, कैल्शियम आ रहा है, तो पोटेशियम की प्राप्यता पहले अधिक थी, अब इसके ऊपर दूसरा आ गया कैल्शियम, तो इसकी प्राप्यता पौधे के लिए कैसी हो गई, कम हो गई। तीसरा पॉइंट कोलाइड के प्रकार। अब विभिन्न मृदाओं में कोलाइड के प्रकार कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, विभिन्न प्रकार के कोलाइड के धनायनों को धारण करने की शक्ति अलग अलग होती है, विभिन्न प्रकार के कोलाइडों की शक्ति धनायनों को ग्रहण करने की धनायनों को ग्रहण करने की अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, विभिन्न प्रकार के कोलाइडों की शक्ति धनायनों को ग्रहण करने की अलग अलग होती है। इसका मतलब जो कोलाइड होते हैं वो अलग अलग धनायनों को कोई ज़्यादा करेगा कोई कम अवशोषित करता है। जैसे
माउंट मोरेलो नाइट केओली नाइट की अपेक्षा केओली नाइट की अपेक्षा की अपेक्षा अधिक धनायनों को अधिक धनायनों को अधिशोषित करता है अधिशोषित करता है। इसका मतलब हुआ माउंट मोरेलो नाइट है जो धनायनों को अधिक अवशोषित करने की क्षमता रखता है और क्योलिनाइट इसकी अपेक्षा कम धनायनों को अवशोषित करता है। तो माउंट मोरेलो नाइट जो किले होगी वह हमारी अधिक उर्वर होगी क्योंकि उसमें धनायनों को अधिक एक्सेप्ट करने की क्षमता है। ये हुई कोलाइट के प्रकार। अगली हेडिंग डालेंगे धनायन विनिमय क्षमता और मृदा उर्वरता। धनायन विनिमय क्षमता और मृदा उर्वरता। धनायन विनिमय क्षमता और मृदा उर्वरता। मृदा उर्वरता मृदा उर्वरता देखिए जिस मृदा की धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है वह मृदा अधिक उर्वर होती है और जिसमें धनायन अधिक नहीं होते हैं वह अनुर्वर होती है क्योंकि जो अपन की सॉयल होती है इस पर ऋण आयन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऋण आयन पाया जाता है। तो यह किसको अधिशोषित करती है अपनी सतह पर? धनायनों को अपनी सतह पर अधिशोषित करती है और वह मृदा ही अधिक उर्वर होती है जिसमें H+ आयन पाए जाते हैं। जिसमें H+ आयन या धनायन पाए जाते हैं वह मृदा अधिक उर्वर होती है। तो धनायन विनिमय क्षमता जिस मृदा की अधिक होगी वह मृदा अधिक उर्वर होगी। तो इसमें लिखेंगे मृदा उर्वरता का एकमात्र आधार मृदा की धनायन विनिमय क्षमता होती है। मृदा की धनायन विनिमय क्षमता होती है। मृदा उर्वरता का एकमात्र आधार मृदा की धनायन विनिमय क्षमता होती है। अधिक कैल्शियम युक्त वाली मृदाएं अधिक कैल्शियम युक्त वाली मृदाएं अधिक उर्वर होती हैं। अधिक कैल्शियम युक्त वाली मृदाएं अधिक उर्वर होती हैं। इन मृदाओं का वातन तथा जल निकास अच्छा होता है। इन मृदाओं का वातन तथा जल निकास अच्छा होता है। इन मृदाओं का वातन तथा जल निकास अच्छा होता है। जिस मृदा में धनायन अधिक होंगे वह मृदा उर्वर होगी। जिस मृदा में धनायन अधिक होंगे वह मृदा
वह मृदा उर्वर हुई जिस मृदा में धनायन अधिक होंगे वह मृदा कैसी होगी उर्वर होगी। नोट डालेंगे यदि धनायनों के रूप में सोडियम अधिक है तो वह मृदा क्षारीय होती है। यदि धनायनों के रूप में सोडियम अधिक है तो वह मृदा क्षारीय होती है। दूसरी नोट और डालेंगे मृदाओं में कैल्शियम मुख्य विनिमय भस्म होता है जिसकी मात्रा कुल विनिमय धनानों की कुल विनिमय धनायनों की कितनी होती है 60 से 80 कुल विनिमय धनायनों की 60 से 80% होती है 80% तक होती है। कैल्शियम की मात्रा अधिक होने पर कैल्शियम किले बनती है और मृदा उदासीन और मृदा कैसी उदासीन हो जाती है उदासीन हो जाती है कैसी हो जाती है उदासीन हो जाती है जिसका पीएच छः पॉइंट पाँच से सात पॉइंट पाँच तक होता है। तो ये हुई हमारी धनायन विनिमय क्षमता और मृदा उर्वरता। तो देखिए मृदा उर्वरता का एकमात्र आधार क्या होता है मृदा की धनायन विनिमय क्षमता। जिस मृदा में अधिक धनायन होंगे वह मृदा अधिक उर्वर होगी। अधिक कैल्शियम युक्त कैल्शियम क्या है धनायन है। अधिक कैल्शियम युक्त वाली मृदाएं अधिक उर्वर होती है। इसका अगर धनायन अधिक होंगे तो वह मृदा उर्वर होगी। इन मृदाओं में वातन कहते हैं वायु का आदान प्रदान तथा जल निकास अच्छा होता है। जो ये मृदा होती है धनायन वाली अधिक धनायन वाली उनमें वायु एवं जल निकास अच्छा होता है। जिस मृदा में धनायन अधिक होंगे वह मृदा कैसी होगी उर्वर होगी। नोट में मैंने लिखा है यदि धनायन के रूप में सोडियम अधिक है तो वह मृदा कैसी होगी क्षारीय होगी। मृदाओं में कैल्शियम मुख्य विनिमय भस्म होता है। मुख्य विनिमय भस्म कौन होता है कैल्शियम होता है जिसकी मात्रा कुल विनिमय धनायनों की 60 से 80% तक होती है। जो जितने भी धनायन हैं उनमें सबसे अधिक मात्रा कैल्शियम की होती है। वो कितने परसेंट होती है 60 से 80% तक होती है। कैल्शियम की मात्रा अधिक होने पर मृदा कैसी बन जाती है
कैल्शियम के लिए बनती है और मृदा उदासीन हो जाती है, जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 तक होता है। अब पढ़ेंगे मृदा का प्रति सप्ताह 20 संतरा। अगला टॉपिक पढ़ेंगे मृदा का प्रति सप्ताह वेश संतृप्त। मृदा का प्रति सतता वेश संतृप्त, इसको हम आपको अगली वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे जो भी हमारी वीडियो बनाई जाए वो आपके पास में तुरंत मिल सके। ओके, थैंक यू।